वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। इंदौर के क्रांतिकारी हीरो शहीद सआदत खान, जिनकी पीएससी कार्यालय के सामने मजार है, के बारे में रिजवान खान ने बताया कि जब पूरा भारत अंग्रेजों के जुल्मों का शिकार हो चला था तो देश भर में विरोध मुखर होने लगा था। बलरामपुर, बहरामपुर से चली आजादी की चिंगारी को जहाँ मेरठ में मंगल पांडे ने हवा दी तो इंदौर भी अछूता न रहा। 1 जुलाई 1857 को सआदत खान के नेतृत्व में क्रांति के तोपें गड़गड़ा उठी। सुबह 8 बजे सआदत खान, भाई सरदार खान, भागीरथ सिलावट, हीरा सिंह जमादार और अन्य साथी रेसिडेंसी कोठी जा पहुंचे। उस समय कर्नल H.M. डुरांट रेसिडेंसी कोठी में अपनी टेबल पर काम कर रहा था। सआदत खान ने कर्नल डुरांट से बात करनी चाही पर उसने सआदत खान को अपशब्द कहे, जिसका उन्होंने विरोध किया। इस पर डुरांट ने तमंचा मारा जो सआदत खान के कान को छूता हुआ निकल गया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। अपने सरदार को लहूलुहान देख क्रांतिकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। उधर सआदत खान ने यलगार भरी, तैयार हो जाओ छोटा साहेब लोगों को मारने को, महाराज साहेब का हुक्म है। सआदत खान के आदेश पर होलकर सेना के तोपची महमूद खान ने तोप का पहला गोला रेसिडेंसी कोठी पर दागा। गोला ठीक उसी जगह जाके लगा जहाँ H.M. डुरांट का ऑफिस था। क्रांतिकारियों ने इंदौर रेसिडेंसी से 9 लाख रुपए लूटकर उन्हें आर्थिक रूप से भी कमजोर कर दिया। इस हमले में 34 अंग्रेज मारे गए और कर्नल डुरांट को ओल्ड सीहोर रोड से इंदौर छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा। 16-17 साल बाद सआदत खान बांसवाड़ा में 5,000 रुपए के इनाम के लालच में मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार हुए। वो 7 जनवरी 1874 को इंदौर लाए गए। जनवरी 1858 से अगस्त 1858 तक सआदत खान के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलता रहा। 7 सितंबर 1874 को DWKR ने सआदत खान को मौत की सजा सुना दी थी। 1 अक्टूबर 1874 की सुबह देश की आज़ादी के इस महान क्रांतिकारी सआदत खान को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, जहां फांसी से पहले सआदत खान ने एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया। रिजवान खान का कहना है कि ऐसे देश प्रेमी शहीद सआदत खान की मजार आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। कुछ दिनों पहले इस मजार पर आगजनी हो गई थी, जिसकी शिकायत पुलिस थाना संयोगितागंज को की गई थी, जबकि इसी क्षेत्र में सभी बड़े अधिकारियों का आना जाना होता है और सामने ही लोक सेवा आयोग का भी कार्यालय है। आग की घटना के बाद से ही इसके पुनरुत्थान के लिए सरकार से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। वो जो आपने देखा था वो क्रांति स्थल था, वहाँ से तोपे गड़गड़ाई थी और वहीं पर उन्हें 1 अक्टूबर 1874 को फांसी दी गई थी उसी। और ये वो जगह है जहाँ उन्हें दफनाया गया। ये 1 अक्टूबर 1874 को अंग्रेज़ों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया था। उनकी लाश को बाद में नवाब बांदा के फैमिली ने यहाँ पर आकर उनको दफन किया। ये मज़ार है और ये थोड़े दिन पहले यहाँ पर शेड लगा है, कुछ साल पहले। अभी कुछ 20-25 दिन पहले यहाँ पर आग भी लग गई थी और आग लगने के बाद उसकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बड़ी मुश्किल से रात को 2 बजे इसकी आग बुझाई गई है, पर वो जो कचरा और मलबा है वो अभी तक ऐसा के ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये बोर्ड भी जल गया था, ये हम परिवार के लोग ही बोर्ड बाहर से लगवाते हैं। वो बोर्ड भी तकरीबन मिट चुका है, उस पर भी ज़्यादा किसी से लिखा हुआ नहीं है। और यहाँ पर ये जाली वगैरह हमारे हाथ से यहाँ पर लगा लेते हैं, ये सेवादार हैं ये लगा लेते हैं, नहीं तो यहाँ कुत्ते और जानवर घुसते हैं। 1 अक्टूबर 1874 को फांसी देने के बाद उनको यहाँ पर दफन किया गया था, शहीद सआदत खान को। और इतने बड़े क्रांतिकारी का की इतनी बुरी तरीके से उपेक्षा कोई हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने इसकी पुलिस थाने में भी कंप्लेंट करी है और इसके जीर्णोद्धार के लिए लगातार हम अलग अलग सोर्सेज से प्रशासन के पास पहुँच रहे हैं। प्रशासन भी हमें सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि हम आज कर देंगे, कल कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मुझे कहा गया था कि 1 जुलाई को उनके क्रांति दिवस के पहले यहाँ पर साफ सफाई भी करा दी जाएगी और इसको बनवाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा, पर ऐसी कोई स्थिति अभी तक नज़र आती नहीं, जबकि सामने पीएससी भवन है और ये जो पूरा क्षेत्र है ये प्रशासनिक अधिकारियों का क्षेत्र है, पर सब यहाँ से आग भून के निकल जाते हैं। और ये शहीद जो है शायद ये सोचते होंगे कि हमने किन के लिए कुर्बानी दी। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये 1857 की क्रांति का एकमात्र जिंदा उदाहरण बचा है, ये बरगद का पेड़। ये शहीद सआदत खान का स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। 1 जुलाई 1857 को इस जगह से शहीद सआदत खान की तोपें गड़गड़ाई थी।
उनके साथी थे वंश गोपाल, बंशीधर, उनके भाई थे अमीर खां और उनके काफ़ी साथी थे, उनके एक तोपची थे महमूद खां। ये सारे मिलके यहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों पर अटैक किया था और 1857 एक जुलाई को, क्योंकि मेरठ में क्रांति मई में हो गई थी, यहाँ तक आते आते जो समय लगा वो उसके बाद यहाँ जो क्रांति हुई है तो उससे अंग्रेज़ यहाँ से छोड़कर भाग गए। उसके बाद उनके साथी भागीरथ सिलावट तो पकड़ाई में आ गए थे, ये लोग यहाँ से ब्यावरा और उधर आगे होते हुए ग्वालियर तक पहुँचे और ग्वालियर से दिल्ली तक भी पहुँचे। बहादुर शाह जफर तब तक गिरफ्तार हो गए थे तो क्रांति विफल हो गई थी, लेकिन सादत खां पकड़ में नहीं आ पाए। उनके साथी भागीरथ सिलावट ज़रूर पकड़ में आ गए थे और उन्हें जयपालपुर में जहाँ मिले वहीं फांसी दे दी थी अंग्रेजों ने, लेकिन इनको 1 अक्टूबर 1874 को फांसी दी जब ये गिरफ्तार हुए। तो इसी पेड़ के नीचे से उन्होंने तोपें दागी थी और इसी पेड़ पर उनको फांसी दी थी। उनके कई साथियों को औरों को भी फांसी दी थी, जब जब जो जो मिलता गया अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी दी। ये बहुत बड़ा क्रांति का स्थल रहा है इंदौर और हम उनकी 5वीं पीढ़ी हैं शहीद सादत खां। पर हम थोड़ा सा अब विचलित होते हैं, हमें लगता है कि ये बड़ा ही उपेक्षित सा जगह है, यहाँ पर कोई आता नहीं है और यहाँ का कोई रखरखाव भी तरीके का नहीं है। ये बोर्ड जो है ये गिर गया था, अभी लगवाया है, इस बोर्ड को कई साल हो गए जिस पर वापस लिखवाया भी नहीं गया उनका नाम। यहाँ पर ये कुछ पौधे आप देख रहे हैं, ये पौधे शहीद भगत सिंह के भांजे यहाँ पर आए थे जगमोहन सिंह जी, उन्होंने रोपित किए हैं। क्रांति कुमार कटियार जी आए थे कटियार परिवार से, अशराफुल्ला साहब के परिवार से यहाँ पर आए हैं। तो जो हम कार्यक्रम करते हैं, अभी तो कोरोना काल में कार्यक्रम हमने कम कर दिए, नहीं तो जब हम कार्यक्रम करते हैं तो इन लोगों को बुलाते हैं। ये पौधे उन लोगों के शहीद परिवारों के हाथों के लगे हुए हैं, पर हम ये देखते हैं कि 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को जब ख़ास तौर से उनका एक दिन है उस समय भी ये बड़ा उपेक्षित सा पड़ा रहता है और यहाँ पर कोई आता नहीं है। इसका थोड़ा पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़।